मैंने बहुत इंडियन कॉमेडी देखी है, जितनी लाइक मैंने बहुत ही देखोगी, बट जितनी की मुझे पसंद नहीं है, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। ये बातें तो बाद में याद आएंगी। कॉमेडी एक ऐसा जॉनर है दैट इज सपोज टू मेक अस रिलीव ऑफ आवर टेंशन एंड टू मेक अस लाफ। लेकिन इस वीडियो में लेट्स ट्राई टू लुक एट द अनदर पर्सपेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉमेडिक सीन, क्योंकि लोगों के बहुत मिक्स्ड ओपिनियंस रहते हैं। कुछ लोगों को तो लगता है कि इंडियन स्टैंड अप कॉमेडी इज द बेस्ट, और कुछ लोग कंसिडर करते हैं इट इज वेरी मच ओवर हाइप्ड और जोक्स का सर पैर नहीं है, और ऐसी बहुत सारी क्रिटिसिज्म होता है। लेट्स ट्राई टू लुक एट दिस ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन स्टैंड अप कॉमेडी इन दिस वीडियो एंड देयर पॉसिबल सॉल्यूशंस विद थोड़ा सा तड़का ऑफ द वैल्यू दैट इज व्हाट वी ब्रिंग टू द टेबल। सो लेट्स एनालाइज द इंडियन स्टैंड अप कॉमेडी सीन इन दिस वीडियो। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि एक अच्छा स्टैंड अप कॉमेडियन होने का क्या पैरामीटर हो सकता है। यू वुड से पीपल लाफिंग ऑन हिज जोक्स इन द एरिना, वेल नॉट वेरी ऑक्सीमोरोनिक, बट उसका रीजन सिंपल ये है कि जब तुम एक क्राउड में बैठे होते हो, वहां पे होता है सोशल कंटेजियन इफेक्ट। उस केस में आसपास के लोग हंस रहे हैं तो तुम भी हंसते हो, क्योंकि सोशल कन्फॉर्मिटी, तुम्हें लगता है कि ये जोक उसको फनी लग रहा है, मुझे भी फनी लग रहा है, साथ में हंसते हैं। इसीलिए पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, लोग थिएटर में इसीलिए मूवीज देखना चाहते हैं, चाहे वो एवरेज मूवीज ही होती हैं, वहां पे थिएटर में उन्हें बहुत मजा आता है, क्योंकि वहां पे वो अपना एनालिसिस वाला दिमाग पीछे बंद करके सिर्फ मूवी को एंजॉय करते हैं आसपास के लोगों के साथ। इसीलिए वो थिएटर का एक्सपीरियंस इज वेरी क्रूशियल। बट इसका शायद फिर तुम कहोगे दूसरा मार्कर ये हो सकता है कि जब हम घर पे बैठ के अपने फोन पे वीडियो देख रहे हो, वेल नॉट रियली दैट टू, क्योंकि तुम जब अपने फोन पे बैठ के देखते हो, आजकल इंस्टाग्राम पे हर बंदे को डैंक बनना है, सोशल मीडिया पे कॉमेडी करनी है, तो उन्हें लगता है कि अगर मैं ऐसी ऐसी कमेंट्स कर दूंगा इस स्टैंड अप कॉमेडियन से फनी हो जाऊंगा, मेरी कमेंट पे 50 लाइक आ गए, मैं तो बहुत फनी हूँ यार, ऐसा सोचते हैं लोग। तो इसीलिए ये भी मार्कर नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें जो डाटा पॉइंट्स हैं वो आर वेरी एम्बिगस एंड सब्जेक्टिव। सो व्हाट कुड बी द रियल ट्रैकिंग मार्कर टू जज इफ अ स्टैंड अप कॉमेडियन इज फनी और नॉट, उसके लिए नीड टू लुक एट दिस थ्री प्रॉब्लम्स, जो तुम्हें ऑटोमेटिकली बता देंगे यार कि क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए एक अच्छे स्टैंड अप कॉमेडियन के, एंड व्हाई पीपल कंसीडर इंडिया स्टैंड अप कॉमेडी सीन टू बी बैड, क्योंकि वो इन पर्टिकुलर मार्कर्स पे मिसिंग है। सो द प्रॉब्लम नंबर वन बीइंग कि इंडिया में स्टैंड अप कॉमेडी का कल्चर इज नॉट कंसीडर्ड एन आर्ट फॉर्म। सबको लगता है कि मेरे अंकल, मेरे चाचा, मेरे बुआ के लड़के बहुत फनी है, वो आगे स्टैंड अप कॉमेडी कर सकते हैं, ऐसा क्या ही है इनमें, जो कि क्रैक करना है मैं भी कर लूंगा। बट दे सीम टू फॉरगेट दिस वेरी फैक्ट कि 150 लोगों के आगे बैठ के जोक मारना इज नॉट अ जोक। अगर तुम्हारा चुटकुला जोक बॉम्ब हो गया तो वो जो रिकवरी का फेज होता है ना, वो हर बंदा नहीं कर पाता। अपने दोस्तों के साथ बैठ के बातें करना इज वेरी फनी, उनको बहुत अच्छा लग सकता है, बट जो बंदा 150 की, 2000 की, 500 की ऐसी टिकटें दे के आया ना, उनकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा ही होगी हमेशा। इसीलिए एक इंडिया में जब तक इसको एक आर्ट फॉर्म की तरह कंसीडर नहीं किया जाएगा, लोग इसकी नुआंसेस को नहीं पढ़ेंगे, लोग इसको एकेडमिकली परस्यू नहीं करेंगे, और जब इसके ऊपर इनफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करेंगे लोग, तो उनको तो ऐसा ही लगेगा कि ये क्या फालतू में कॉमेडी कर रहे हैं। क्या बोला तूने? बट आई थिंक इंडिया में ये प्रॉब्लम बहुत जनरल है, लोग भूल जाते हैं कि यार एक पर्टिकुलर सेट को लिखने के पीछे कितनी मेहनत लगी है। और ऐसी एक दूसरी प्रॉब्लम जो हम फेस करते हैं, दैट इज इंडिया में पीपल आर वेरी गुड एट टेकिंग ऑफेंसेस, एंड इसका मैं रीजन बताता हूँ। हमारे ऊपर 200 साल, 1000 साल, इतने टाइम से इन्वेडर्स ने रूल किया है ना, तो हम लोगों को अपनी आइडेंटिटी प्यारी है। आई सिंपथाइज विद पीपल जो कि रैंडमली किसी कई चीज़ों पे ऑफेंड हो जाते हैं, बिकॉज आई गेट दैट ये इनकी प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज आउट ऑफ सोशल कंडीशनिंग। बट इससे बाहर निकलना भी इम्पॉर्टेंट है, हमें समझना पड़ेगा कि हाँ वो टाइम अब निकल चुका, अब हमारी आइडेंटिटी कंपैरेटिवली सिक्योर है। सो द प्रॉब्लम नीड्स टू बी एड्रेस्ड बाय एक्नॉलेजिंग, बाय एड्रेसिंग इट एंड देन सॉल्विंग इट टू द बेटर कॉज, क्योंकि अगर हम बात बात पे ऐसे ऑफेंस लेने लग जाएंगे, दैट विल बी अफेक्टिंग द सीन ऑफ एंटायर आर्ट फॉर्म, नॉट जस्ट कॉमेडिक सीन। क्योंकि मुझे पता है आज भी एक स्टैंड अप कॉमेडियन एक अच्छा सेट लिखता है और उसमें वो कुछ ऐसा एजियर बोल देता है, वहां पे क्राउड में बैठे ऑडियंस को बहुत पसंद आता है, वो तालियां मारते हैं, खुश होते हैं, लेकिन जब वो वीडियो जाती है सोशल मीडिया पे, कोई रैंडम बंदा किसी देश के कोने में बैठा इससे ऑफेंड हो जाता है और वो उसके ऊपर एफआईआर कर देता है।
इसीलिए देर इज दिस वेरी इनेट फियर कि कहीं मैं कुछ ऐसी बाउंड्री ना क्रॉस कर जाऊं कि मेरे ऊपर केस हो जाए। और इंडियन स्टैंड अप कॉमेडी में तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कितने लफड़े हो जाते हैं इस चीज के कारण। क्या हो गया तुम्हें, क्यों नहीं बोल रहे हो? इसलिए लोग ईस्ट वर्सेस वेस्ट में ऐसे कंपेयर करते हैं कि वेस्ट वाले देखो वो कितने ज्यादा ओपन है अपने ओपिनियंस के लिए। बट तुम्हें समझना पड़ेगा वो ऑपरेसर्स थे, हम ऑपरेस्ड हुए थे, तो उनके लिए बहुत इजी अपने कल्चर का मजाक उड़ाना क्योंकि उनके कल्चर के ऊपर कभी थ्रेट था ही नहीं। और टू बेटर पुट इट, उनके पास एग्जैक्टली कोई कल्चर नहीं था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। उन्होंने सब चीजें एक्वायर की हैं, इसीलिए वो मजाक बनाना अच्छे से जानते हैं। बट आई सिंपथाइज विद इंडियन पीपल, इनको अपनी आइडेंटिटी के लिए फाइट करना पड़ा था एंड दैट इज वाई वी नीड टू एड्रेस द इशू। बट वी कांट फॉरगेट द फैक्ट कि इस ऑफेंस के पीछे क्या रीजंस हैं। खैर हम भी कहां पहुंच गए बातें करते करते, प्रॉब्लम नंबर 3 पे आते हैं, विच हैपन्स टू बी कि इंडियन स्टैंड अप कॉमेडी में डाइवर्सिटी नहीं है एंड इसीलिए ये नमन अरोड़ा इफेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अभी अगर तुम एक जनरलाइज ट्रेंड उठा के देख लोगे तो फीमेल्स किसके ऊपर जोक करती हैं, वो जोक्स क्रैक करती हैं मेल के ऊपर, और मेल हमारे बंदे वो जोक्स क्रैक करते हैं मेल के ऊपर। उनके लिए कुल मिला के एक जनरल पैटर्न जो मैंने नोटिस किया है वो ये बात करते हैं लड़के ऐसे होते हैं, लड़के बुरे होते हैं, लड़के अच्छे से नहीं रहते और लड़कियां ऐसे सभ्य होती हैं वो होती हैं। आई मीन इन सबसे आगे बढ़ के भी देर आर अ लॉट ऑफ फील्ड्स जिसके ऊपर जोक क्रैक किए जाते हैं, बट नहीं, उनको तो इसी पल्लू के अंदर घुस के रहना है और उसी के अंदर जोक करते रहना है, विच इटसेल्फ डिफाइज द पॉइंट ऑफ अ जोक। क्योंकि एक जोक तभी फनी बनता है जब वो अपनी अजम्पशन से बहुत दूर जाता है। ये मैं नहीं, समय रहना कह रहा है। सेटअप पुट्स एन अजम्पशन, इट गिव्स एन इंफॉर्मेशन, punchline breaks that assumption. And secondly, diversity ना होने का एक और कारण भी है, vulgarity sells. जितना भी तुम कह लो ये NSFW वाले jokes बहुत चलते हैं, लोग बहुत तालियां मारते हैं कि ओ भाई 150 बंदों के सामने कितना बनी बोल दिया, ये भाई तो बहुत बोल्ड हैं, बहुत डार्क हैं। बट द पॉइंट बिहाइंड इट इज कि ये सब चीजें डू नॉट रियली मेक अ गुड स्टैंड अप कॉमेडियन, बट प्रेजेंट द शॉक वैल्यू। अब शॉक वैल्यू के साथ तुम लॉन्गर टर्म में सस्टेन नहीं कर सकते। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द सॉल्यूशन और द वैल्यू ऑफ दिस वीडियो, दैट ऑल्सो टेल्स व्हाई नमन अरोड़ा विल हेल्प टू मेक दिस सीन बेटर। क्योंकि अब तक जितने भी आर्ट फॉर्म्स आते थे, तुम्हें क्या लगता है नमन अरोड़ा वाली आर्ट फॉर्म बहुत ज्यादा यूनिक है? नहीं, ये वेस्ट में भी चलती है। इनफैक्ट इंडिया में इसे थोड़े थोड़े फॉर्म में प्रैक्टिस किया जाता था, जैसे कपिल शर्मा हो गया, राजू श्रीवास्तव हो गया, ये सब जो कॉमेडियंस थे ना वो इसी आर्ट फॉर्म को मिक्स करते थे। बस अब इसको स्टैंड अप कॉमेडी के साथ नमन अरोड़ा ने जो ब्लेंड किया है ना, दैट माइट ब्रिंग टू दिस न्यू एरा ऑफ कॉमेडी जहां पे वो अलग अलग जॉनर्स ट्राई कर सकते हैं। बस ये मत करना कि इसी जॉनर में सब लोग बनाने लग गया। ट्राई टू ब्रिंग the variety in things. Creativity जब तक किसी formula के ऊपर base होती है ना, वो कभी creativity नहीं हो सकती. That is just another template. और template एक time के बाद सब भूल जाते हैं. याद रहता है तो बस जो original art form किसी बंदे ने create किया था. इसीलिए it is very important कि हमारे जो Indian stand-up comedy scene है, उसमें एक variety आए and नमन अरोड़ा जैसे लोग इसमें एक नए नए elements introduce कर रहे हैं. And I really hope कि इससे सीख के काफी और comedians आके इस चीज को ट्राई करें एंड दे ट्राई टू अंडरस्टैंड नॉर्मल पीपल कि ये एक आर्ट फॉर्म है दैट नीड्स टू बी अप्रिशिएटेड, स्टडीड एंड वेल वर्स्ड टू परफॉर्म ऑन स्टेज। एंड इसी के साथ आज की वीडियो का अंत करते हैं। तुम्हें किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए, प्लीज टू ड्रॉप एंड टिल देन कीप एनालाइजिंग। बाय।